राय थाना क्षेत्र के गांव जठेड़ी में घर से निकालकर गली में चाकू से गोद कर बेरहमी से युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने FSL टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस टीम ने व FSL की टीम ने वारदात स्थल से नमूने एकत्रित कर शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी मिली है कि मृतक पर भी हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य मुकदमे पहले से दर्ज थे। गांव जठेड़ी निवासी कमलेश ने बताया कि उसका बेटा जितेंद्र, जिसकी उम्र 40 साल के करीब है, घर पर रहता था। वह चाय की दुकान चलाता था। उन्हें जानकारी मिली कि गली में उसके बेटे का शव पड़ा हुआ है। उसके बेटे को घर में घुसकर हत्या कर उसके शव को गली में बाहर लाकर डाल दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची तो उसके बेटे की गले पर चाकू से वार कर बेरहमी से हत्या की हुई थी। मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी। जितेंद्र उर्फ मोनू, जिसकी उम्र करीब 40 साल है, उसकी हत्या की सूचना मिली थी। जितेंद्र पर पहले भी हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं। रंजिश के चलते जितेंद्र की हत्या की गई है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राय थाना पुलिस की दो टीम व CIA की टीम हत्या के आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जानकारी मिली है कि जितेंद्र पर हत्या व हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज हैं। जितेंद्र हिस्ट्री शीटर बदमाश है। गांव के दो युवकों पर वर्ष 2023 में हमला किया था, जिसमें दोनों बच गए थे। जानकारी मिली है कि सुरेंद्र के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया है। जितेंद्र जेल से जमानत पर आया हुआ था, वहीं गाँव में चाय की दुकान चलाता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कमलेश नाम मेरा है। कमलेश जी, कैसे आपके बेटे की कितनी उम्र थी, क्या करता था? 40 साल का हो रहा था। वो आड़े रहा था, हम भीतर रहा थे। 5:30 बजे से हमने पता लग गया, 6:45 का टाइम हो रहा था। अगर कोई लेडीज गई परे न लेकर थी, गुड़ल उड़ छोरा मरिया पड़ा था, काट रखा। हम यो बाजिया छोरा आई के पीछे पीछे मैं आई हूँ, बाजिया तो हमने गाल में पड़ा पाया है। भीतर तो काट कर ना बाहर ले गए, हमने नींद भी हम गाल में पड़ा पाया। क्या करता था आपका बेटा? यो दुकान कर रहा था उड़ा परे ना। क्या की? यो चाचू बना था, गुटके गटके के कर यो बेचा कर। तो किसी पे शक है? मतलब माई माई बाजी तो मैंने कोई देखा नहीं, तो मैं के बताऊँ। हाँ, कति काट का गिर क्या कर दन, कति लो लो आन पाया हमने तो यो मरिया ही पाया। अकेला रहता था? हाँ, अकेला था। एक वो वाड़े का भांजा था के पास। एक जितेंद्र उर्फ मोनू नाम का लड़का है, इसकी उम्र है 40 साल, ये जठेड़ी का रहने वाला है और इस पे भी काफ़ी सारे केस हैं। और इनकी जो आरोपी नाम हमारे सामने आए हैं, जो उनके साथ पुरानी रंजिश के चलते इसकी हत्या इन्होंने कर दी आज, तो हम इस पर FIR दर्ज करके मृतक का पोस्टमार्टम करा रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। नाम वगैरह हम आपको अनुसंधान इनके पकड़ने पर आपको खुलासा करेंगे सारा। अभी अनुसंधान किया जा रहा है। टीम हमारे पुलिस स्टेशन से 2-3 टीम लगी हुई है पकड़ने पर, CIA वगैरह भी इन्वॉल्व की हुई है सर आपका, और जैसा भी आगे होगा इन्वेस्टिगेशन में आपको अवगत करा सर आपका पीछे। मैं इंस्पेक्टर SHO थाना राय सोनीपत से, नाम से इंस्पेक्टर उमेश नाम है मेरा।